नमस्कार, यूनिक आवाज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ी खबर को, जो बड़ी ही खुशखबरी है, उसको बता रहे हैं। कैबिनेट के फैसलों को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। कैबिनेट में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार, कोऑपरेटिव बैंक की निगरानी, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी और शिशु लोन पर 2% ब्याज छूट देने जैसे निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पीएम मोदी ने कैबिनेट फैसलों को ऐतिहासिक बताया और कहा कि करोड़ों भारतीय निर्णय से लाभान्वित होंगे। इस बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार, कोऑपरेटिव बैंक की निगरानी, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी, शिशु लोन पर 2% ब्याज छूट देने जैसे निर्णय लिए गए। आइए जानते हैं केंद्रीय कैबिनेट ने क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए, उनको विस्तार से जाने हैं। कोऑपरेटिव बैंक अब RBI की निगरानी में रहेगा। अब देश के सभी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक की निगरानी में आएंगे। अभी देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं। सरकार का कहना है कि इन बैंकों के RBI की निगरानी में आने के बाद 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा। यह आश्वासन मिलेगा कि उनका बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ रुपया सुरक्षित है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला, शिशु मुद्रा लोन पर 2% ब्याज छूट। शिशु मुद्रा लोन धारकों को मोदी सरकार ने राहत दी है। इस लोन पर 2% के ब्याज छूट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत ही इसका ऐलान किया था। कैबिनेट के निर्णय के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मुद्रा के शिशु लोन पर 2% ब्याज छूट देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। करोड़ों लाभार्थियों को अब 2% की ब्याज छूट मिलेगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में अब निजी कंपनियों के लिए खुला। अंतरिक्ष जगत को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों और निजी कंपनियों के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने का ऐलान किया है। अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को मंजूरी दी है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से बौद्ध धर्म के विदेशों में रहने वाले अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि थाईलैंड, जापान, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देशों से बहुत से अनुयायी यहाँ आना चाहते हैं। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, इसलिए अब ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर विकसित होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक आवाज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।